यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और एक बड़ी खबर फतेहपुर से मिल रही है, डबल मर्डर की वारदात वहां पर सामने आई है। दो सगी बहनों का तालाब में शव मिला, पुलिस ने दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराया है और परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। दोनों बहनों के चेहरे पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। असोतर थाना इलाके की यह वारदात है। बड़ी खबर फतेहपुर से। विभसगढ़ फतेहपुर में परिवार की आशंका, दुष्कर्म के बाद हत्या की गई सगी बहनों की। संदीप हमारे संवाददाता इस वक्त फतेहपुर से हमारे साथ है। संदीप, क्या अवस्था थी इन बहनों की और परिवार क्या कह रहा है, परिवार की आशंका और क्या है? सिंगाड़ी के तालाब में मिला हुआ है, जहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों बहनें जब वहाँ पे गई तो गाँव वालों ने साथ ही इनको खोजबीन की। जब पुलिस वहाँ पे दोनों बहनों के शव को देखी तो वहाँ पे गाँव वालों का ये बताना है कि उन दोनों बहनों की आंख निकाल ली गई है और उनके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे, जिनको सिंगाड़ी के खेत में उनके फेंका गया है और उनके शरीर में कई जख्मों के निशान भी हैं। तो उनकी हत्या करके गाँव वाले ये कह रहे हैं कि उनके साथ क्या कहते हैं गलत कार्य करके उसको सिंगाड़ी के खेत में फेंका गया है। और वहीं पे जब मौके पहुंचे डीएमआरसी तो वहाँ पे पीड़ित परिवार को संवेदनाएं देने की जगह उनको डरा और धमका रहे थे कि अगर आप लोग अगर किसी से कुछ ज्यादा कहोगे तो आप लोगों को सभी को उठा करके अंदर कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे वहाँ पे गांव वालों का आरोप भी है। संदीप, ये तो बहुत ही गंभीर मामला, शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए।